छोटे पर्दे से मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अभी भी यह सिलसिला जारी है। शो की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण इसके कलाकार भी हैं। हर एक कलाकार का अपना एक अलग अंदाज है, वहीं फैंस को शो के सभी कलाकारों के बारे में भी बहुत दिलचस्पी रहती है। कलाकारों के असली नाम से लेकर उनकी फीस तक दर्शकों को सभी चीज़ें जानने की उत्सुकता रहती है। वहीं शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल नट्टू काका कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 77 साल के नट्टू काका का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कैंसर के बारे में घनश्याम नायक को अप्रैल महीना में पता चला था, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हो गया था। वहीं शो के फैंस भी चाहते हैं कि सबसे चहेते नट्टू काका जल्दी ही ठीक होकर शो पर वापसी करें। इसी बीच नट्टू काका ने अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बताई है। नट्टू काका ने बताया कि वो आखिरी सांस तक काम करना चाहते हैं। बता दें पिछले साल सितंबर में घनश्याम नायक के गले की सर्जरी हुई थी, जिसमें उनके गले से 8 गांठें निकाली गई थी। सर्जरी के बाद घनश्याम नायक काफी दिनों तक शूटिंग से दूर रहे। ट्रीटमेंट के बाद उनकी हालत में काफी सुधार है। और वहीं बता दें कि कुछ समय पहले घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो मुंबई में दोबारा शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह भी शूटिंग शुरू कर सके। दरअसल कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र ने राज्य में कुछ समय के लिए शूटिंग को रोक दिया था, जिसके बाद कई टीवी शोज ने अपनी शूटिंग लोकेशन अलग अलग शहरों में शिफ्ट कर ली थी।